हाय गाइस, मेरा नाम राहुल है और आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं रियलमी बर्ड्स 2 नियो को। ये हाल ही में लॉन्च हुए हैं रियलमी की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या पहले के जो रियलमी बर्ड्स 2 थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, उनकी जो साउंड क्वालिटी थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उसका भी रिव्यू मैंने मेरे चैनल पर किया है, आप उसे जाके देख सकते हो। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे उनकी, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी थी, साउंड क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी ज़्यादा अच्छी थी। और जिस प्राइस पे वो आ रहा था वो भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं रियलमी बर्ड्स 2 नियो उस जो रियलमी बर्ड्स 2 के जो स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पाता है या नहीं। तो इन दोनों में से कौन सा ईयरफोन आपको लेना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको पहली अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं और इसके अंदर आप देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। हाय गाइस, तो रियलमी बर्ड्स 2 नियो ये हेडफोन हमारे पास है और मैं इसे अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स की वारंटी यहाँ पे देखने को मिलती है इन ईयरफोन्स पे, जो कि मुझे लगता है हर रियलमी के ईयरफोन्स पे आपको 6 मंथ्स की ही वारंटी देखने को मिलती है। अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये बर्ड्स की क्वालिटी भी मुझे सेम लग रही है रियलमी बर्ड्स 2 के जैसी। बस इसमें मुझे एक ही फ़र्क लग रहा है, इसके इसके अंदर आपको मैग्नेटिक, जो बर्ड्स के अंदर मैग्नेटिक जो फीचर था जो रियलमी बर्ड्स 2 के अंदर, वो आपको इनमें दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसे चिपक नहीं जाते, तो मैग्नेट का फीचर यहाँ पे इन ईयरबड्स में भी उन्हें देना चाहिए था, पर किसी कारणवश उन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे। पर अगर वो होता तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक यूज़फुल फीचर यहाँ पे मिल जाता। तो अभी इनकी बात करते हैं, देखो अभी इनके बर्ड्स की भी क्वालिटी की बात करें तो सेम ही है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रियलमी के बर्ड्स की क्वालिटी रबर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी इनकी वायर की बात करें तो वायर भी आपको अच्छी क्वालिटी की वायर यहाँ पे देखने को मिलती है। जस्ट आपको रियलमी बर्ड्स 2 में जिस टाइप की वायर आपको देखने को मिलती थी उसी टाइप का आपकी वायर इसमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी भी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी तो मैं नहीं बोल सकता, पर अच्छी क्वालिटी यहाँ पे रियलमी और ने दी है। और यहाँ पे एक आपको बटन देखने को मिलता है। तो चलिए अभी बात करते हैं इनके कंफर्ट के बारे में। अगर आप इन्हें कान में पहनते हो तो कैसा कंफर्टेबल आपको फील होता है या नहीं। ये कान में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हेवी है। जैसे कि रियलमी बर्ड्स 2 थे वो थोड़ा सा हेवी साइड पे थे, थोड़ा सा हेवी था क्योंकि उसके अंदर आपको मैग्नेट देखने को मिलता था, इनके अंदर आपको मैग्नेट नहीं देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हल्के आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके कान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और दबाव भी आप ज़्यादा महसूस नहीं कर पाओगे। रियलमी बर्ड्स 2 के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होते हैं क्योंकि इनका ज़रा वेट कम है। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं, रियलमी बर्ड्स 2 नियो की साउंड क्वालिटी कैसी है। तो साउंड क्वालिटी में मुझे ज़्यादा कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया है। जो रियलमी बर्ड्स 2 थे उनकी भी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसकी भी साउंड क्वालिटी लगभग उसी टाइप की और उसी रेंज में आपको देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ कि रियलमी बर्ड्स 2 नियो है, इनका जो साउंड आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड आपको साउंड आउटपुट देखने को मिलता है। अगर आप इसे ईयरफोन में लगाते हो जो आपको ज़्यादा वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने 50-60% भी वॉल्यूम आपने रखा तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, उसके आगे आप करोगे तो थोड़ा सा आपको कान में तकलीफ हो सकती है। तो अगर हम इसके बेस की बात करें तो बेस भी आपको बहुत ही अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है, वोकल्स भी आपको बहुत अच्छी के तरीके से सुनाई देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको बहुत अच्छी के तरीके से इसमें आपको सुनाई देते हैं। तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी में से आपको देखने को मिलती है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और ओवरऑल बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलती है, जो इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। तो हाय गाइज, मैंने इन ईयरफोन के साथ गेमिंग भी की है, मैंने COD मोबाइल गेम इसके साथ खेला है। ओवरऑल आपको ये गेमिंग के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, पर स्पेशल गेमिंग के लिए ये बने नहीं है, इसमें थोड़ा सा बेस आपको ज़्यादा देखने को मिला। पर ओवरऑल अगर आप एक गेमिंग के लिए आपको एक चाहिए ईयरफोन्स तो भी ये मेरे हिसाब से आप इन्हें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो गेमिंग के हिसाब से। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 550 के आसपास देखने को मिलेंगे। मैं अमेज़ॉन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी बात करते हैं, कन्फ्यूजन की बात करते हैं, रियलमी बर्ड्स 2 नियो आपको लेना चाहिए या रियलमी बर्ड्स 2 लेना चाहिए। तो देखो दोनों के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है साउंड क्वालिटी के मामले में, साउंड क्वालिटी दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ एक फीचर आपको नियो में नहीं देखने को मिलता है, वो है मैग्नेटिक
फीचर, बट मैग्नेटिक फीचर नहीं देने के कारण ये थोड़े से हल्के हो चुके हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल आपके कानों में आपको फील होने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए। पर तो ये था मेरा वीडियो रियलमी बर्ड्स 2 के बारे में। तो ऐसे ही मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।